हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये गेट रेडी विद मी वीडियो कर रही हूँ क्योंकि मुझे सही में किसी एक वेडिंग में जाना था, तो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। और जब मैं रेडी हो रही थी, मैंने सोचा कुछ आई मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया जाए। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ नया ट्राई करा है। आई एम डूइंग दिस ग्रीन ब्लैक स्मोकी आईज़। और जो भी कलर आपके आउटफिट से मैच कर रहा हो, आप ग्रीन की बजाय वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये लुक आपको पसंद आ रहा होगा, सो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपना हैंडल। एंड इफ यू वांट टू सी हाउ आई अचीव दिस लुक, सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम यूजिंग अ प्राइमर। आई एम यूजिंग दिस मेबलिन बेबी स्किन पोर इरेजर प्राइमर। दिस इज़ गुड फॉर एवरी स्किन टाइप, ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरी स्किन थोड़ी सी अभी कॉम्बिनेशन हो रही है, चीक्स पे ड्राई है, माउथ के अराउंड भी ड्राई है, तो स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है और जो ऑयलीनेस भी है फेस का वो भी इससे चला जाता है, ड्राई भी है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके बाद मैं ये ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, निका के की, थोड़ी सी मैट लिपस्टिक है। तो आप कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी मैट। और जहाँ पर भी आपकी पिगमेंटेशन है, आप इसे वहां पर यूज करिए। नाउ आई एम यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस आउट। और आपको गीला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, पानी को निचोड़ लीजिए, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप स्टिपल करिए जहाँ पे भी आपने करेक्टर यूज़ करा है, या अगर आप कंसीलर यूज़ कर रहे हैं और इवन अ फाउंडेशन। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फेंटी ब्यूटी फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे सही में एक वेडिंग अटेंड करना था, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था अपने बेस के साथ, इस वजह से मैंने इसे यूज़ करा है। इसके बहुत ही हैवी येलो अंडरटोन्स है, इट्स वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, रियल टेक्निक्स का ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज़ करा है, अपने पूरे ये जो बेस मेकअप है, फाउंडेशन मैंने लगाया है, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं इसकी कवरेज कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एले गर्ल का जो इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन आता है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है उससे फेस पर और उसकी भी कवरेज बहुत ही अच्छी है। कंसीलर के लिए मैं ये मैग का प्रोलॉन्ग वेयर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ इन NC42। और NC42 फाउंडेशन डिफरेंट है और ये जो कंसीलर है ये थोड़ा सा लाइट है, NC42 का फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो अगर आप कंसीलर ले रहे हैं तो आप NC42 के लिए जाएगा, वैसे मेरा NC40 है मैग में। और जहाँ पे भी मैंने अंडर आइज़ के नीचे से यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा आईलिड्स पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ माय नोज़, और जहाँ पे मुझे कॉन्टोर करना है ठीक उसके नीचे भी यूज़ करा है। और इसको मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। और फिर नेक्स्ट मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ NC42। और इसकी भी कवरेज बहुत ही अच्छी है और काफ़ी हैवी येलो अंडरटोन्स है इसके। तो मैंने अपने पूरे फेस को इससे सेट कर लिया है और थोड़ा सा इस कॉम्पैक्ट को मैं अपने नेक पे भी यूज़ करूँगी और थोड़ा सा ईयर्स पे भी कर लीजिए ताकि कलर मिसमैच ना लगे आपके स्किन का। अब मैं MIB आई शैडो पैलेट में से ये लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी पूरी क्रीज लाइन पे, ताकि थोड़ा सा एक यू नो सॉफ्टनेस आ जाए जो भी मैं आई मेकअप अभी करने वाली हूँ उसको करने से पहले, ताकि जो मेरी एजेस है, जो लाइंस है, वो सब सॉफ्ट लगे। और इसके बाद ये डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं अपने आउटर साइड पे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको डीप कलर यूज़ अगर आप करते हैं बाहर की साइड में तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा एक शैडो भी क्रिएट हो जाता है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ भी लेती आऊँगी और नीचे जो मेरी लोअर लैश लाइन है पूरे पर मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा लुक सॉफ्ट लगे। और इस पैलेट की बजाय आप कोई और पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है इसी टाइप के पैलेट्स अराउंड 500-600 रुपीज़ के। अब मैं ये ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ एक स्मोकीनेस क्रिएट करने के लिए, इसे बाहर की तरफ प्लेस करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए आ रही हूँ अपनी क्रीज लाइन के साथ में, और इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करिएगा क्योंकि कहीं पर ना ये ऐसे ना लगे कि ऐसे आपको किसी ने पंच कर दिया। ज़्यादातर यही होता है जब भी स्मोकी आइज़ करते हैं तो ऐसा ही होता है कि पंच कर दिया। मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ आई मेकअप में, मुझे लोगों ने बोला भी है कि इतनी परफेक्शन से मैं नहीं कर पाती, बट जितना मुझसे हो पाता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, तो जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से करती हूँ।
और इसके बाद मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आगे की तरफ मैं इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ग्रीन शिमरी आई शैडो यूज़ करना है। तो कंसीलर लगा लेते हैं तो कलर्स अच्छे से पॉप आउट होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप कंसीलर अगर यूज़ करेंगे उसके ऊपर आई शैडो यूज़ करेंगे तो कलर बहुत ही अच्छे से आपका शो होगा। फिर मैं ये NYX का 3-स्टेप पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसका ब्राउन शेड मैं यूज़ करूँगी। बहुत टाइम से पैलेट यूज़ करा नहीं था, तो फेस को ब्रॉन्ज करने के लिए, कॉन्टोर के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, और हॉलोस ऑफ माय चीक्स और थोड़ा सा जॉ लाइन पे, और इसको मैं यूज़ करूँगी जहाँ भी मैं यूजली कॉन्टोर करती हूँ, और थोड़ा सा टेम्पल्स ऑफ माई फोरहेड, जो आपका फोरहेड है उसके साइड में। जैसे मेरा थोड़ा सा फोरहेड बड़ा है, मैं इधर इसलिए यूज़ कर लेती हूँ। और नोज़ को भी मैं कॉन्टोर कर रही हूँ एक पतले ब्रश की हेल्प से, आप फिंगर से भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने जहाँ पे कंसीलर यूज़ करा था मैं उस पर कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। पहले मैंने कंसीलर को थोड़ी देर बैठने दिया, सेट होने दिया, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लीजिए। और इसके बाद मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ, सिवाना कलर्स का, बहुत ही सुंदर ब्लश है ये, और मैंने इसे अपनी चीक्स पे तो यूज़ करा ही है, ऊपर की तरफ आप इसे ले जाते हुए यूज़ करिए, और थोड़ा सा नोज़ पे भी कर लिया है। और फिर से इस सेम आई शैडो पैलेट में से मैं ये ग्रीन शिमरी कलर यूज़ कर रही हूँ, और आगे की तरफ जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ करा था वहाँ पर मैं इसे लगा रही हूँ, और आप देखेंगे कि कलर कितने अच्छे से दिख रहा है। अगर मैं इसे वैसे ही लगाती बिना कंसीलर यूज़ करे तो कलर इतने अच्छे से नहीं दिख पाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती तब भी इतने अच्छे से नहीं दिखता, पर अगर आप कंसीलर यूज़ कर लेते हैं उसके ऊपर कलर्स बहुत ही अच्छे से दिखते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसे नीचे की तरफ भी यूज़ कर लिया, अंदर की साइड में लोअर लैशेस पे। और इसके बाद सेम ये ब्राउन कलर मैं यूज़ कर रही हूँ जो डार्क वाला था, और ये जो बीच में लाइन आ गई है ब्लैक और ग्रीन की कंसीलर यूज़ करने से, उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि कोई ये हार्श लाइन्स ना दिखे, क्योंकि लाइन एक दिख रही है, ऐसा लग रहा है कोई बॉर्डर है, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए ताकि सब कुछ पूरा मेरा आई मेकअप ब्लेंडेड लगे अच्छे से। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, बस मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो जितना होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद एक स्केच आईलाइनर से मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, और विंग्ड आईलाइनर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो स्केच आईलाइनर से बहुत ही अच्छे से हो जाता है, लिक्विड आईलाइनर से इतनी जल्दी नहीं होता और थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, तो आप बिगिनर स्केच आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये मेबलिन की फैशन ब्राउ आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर की, और मैंने अपनी आईब्रोज़ को लाइन कर लिया है पहले, और उसके बाद जो भी गैप्स है उसको मैं फिल कर रही हूँ। तो ग्रे कलर की जो पेंसिल होती है वो भी बहुत अच्छे से मैच कर जाती है इंडियन हेयर्स के लिए। और आगे की साइड हमारे कम बाल होते हैं तो वर्टिकली पेंसिल को यूज़ करिए, वरना बहुत ज़्यादा थिक लगने लगेगी आईब्रोज और बहुत फेक लगने लगती है। और मस्कारा के लिए मैं ये एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और इसके 4 से 5 कोट्स मैं अपनी अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पे यूज़ करूँगी, और मैं फॉल्सीज नहीं लगाती हूँ, इस वजह से मुझे बहुत सारा मस्कारा लगाना पड़ता है। और फिर अपने हाइलाइटर के लिए मैं ये सेम 3-स्टेप पैलेट में से जो ये शिमरी शेड था हाइलाइटर का उसको यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पे भी मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जैसे चीक बोन्स, ब्राउ बोन्स और ब्रिज ऑफ माय नोज़, टिप ऑफ माय नोज़, क्यूपिड बोस, इनर कॉर्नर ऑफ माय आईज़, तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और लिपस्टिक के लिए मैं ये शुगर स्मच मी नॉट की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ब्रिंक ऑफ पिंक, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है विद रेड अंडरटोन्स, और ग्रीन के साथ पिंक लिपस्टिक बहुत ही सुंदर लगती है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबके डायरेक्ट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और बस अब मैं चाहती हूँ जल्द ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।